हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन दानिश फिटनेस। और आज हम करने वाले हैं चेस्ट एक्सरसाइज, बट हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे। आप ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से दोस्तों ने और बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि बिना इक्विपमेंट के हम एक्सरसाइज कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये आज हम वीडियो बनाए हैं। बिना इक्विपमेंट के हम प्रॉपर तरीके से चेस्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे, ओनली नॉर्मल पुशअप के थ्रू। पुशअप ऐसे तो पुशअप बहुत ही टाइप के होते हैं, एक नॉर्मली पुशअप नहीं होते हैं, डायमंड से पुशअप होते हैं, बहुत सारे पुशअप होते हैं। तो आज हम पुशअप एक्सरसाइज करेंगे, वो भी पुशअप एक्सरसाइज के थ्रू हम चेस्ट को डेवलप कैसे करते हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे। तो वो एक्सरसाइज हम करेंगे बिना इक्विपमेंट के। ये आप घर पे आपके पास कोई भी इक्विपमेंट अगर जिम के अगर ना हो, तब भी आप प्रॉपर तरीके से बॉडी के हर एक पार्ट का एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली फॉर पुशअप के थ्रू। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर, आज हम चेस्ट को डेवलप करेंगे पुशअप एक्सरसाइज के थ्रू। कैसे हम पुशअप एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने चेस्ट को प्रॉपर तरीके से डेवलप करते हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, आई होप आपको एंजॉय आएंगे। और ये आपको वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए क्योंकि नॉर्मली आदमी कोई भी, जैसे अगर जिम वाले बंदे को अगर देखते हो जिम में, तो मतलब होता है ना, कोई कोई मतलब थोड़ा लेजीनेस हो जाते हैं कि अरे यार जिम जाएंगे फिर वहाँ एक्सरसाइज करेंगे। तो आप घर पे बैठ के बिना कोई इक्विपमेंट के आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, इसलिए आज हम वीडियो ये बना रहे हैं। तो हम बिना बात किए हुए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, पहला नंबर एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट को डेवलप करने के लिए, नॉर्मल पुशअप एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मल पुशअप हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं ये देख लो। पहले दो सेट लगाएंगे 12 से 15 रैप्स के साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रेंथ है, उसके थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहला हम नॉर्मल पुशअप लगाएंगे, हैंड का साइज़ ये रहेगा, बॉडी को पूरा स्टेबल और चेस्ट आगे, ये देख लो 12 रैप्स लगाएंगे, 12 से 15 रैप्स दो सेट के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 पूरा इफेक्ट चेस्ट पे करेगा। जैसे हैंड को ले जाओ, ये कोई जल्दी नहीं है, प्रॉपर तरीके से एकदम परफेक्टली। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का दो सेट, सब एक्सरसाइज हम दो सेट करेंगे। पहला एक्सरसाइज ये था, फिर हम 10 सेकेंड रेस्ट करके हम फिर नेक्स्ट वाले वीडियो करते हैं। स्टॉप। पहले वाला एक्सरसाइज का सेकेंड एक्सरसाइज सेट 12 रेप्स के साथ, देख रहे हो एकदम इफेक्ट चेस्ट पे पड़ना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। अब हम फिर सेकंड वाले एक्सरसाइज करेंगे नॉर्मल पुशअप, 10 से 12 सेकंड रेस्ट करके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज करते हैं। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, दो सेट सेकंड वाले भी एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा वाइडली के लिए, क्योंकि चेस्ट वाइड चेस्ट के लिए हम ये नॉर्मल पुशअप ही एक्सरसाइज करते हैं। ये देख लो हैंड का पोस्चर ये रहेगा, ठीक है, ये हो गए बॉडी, अब एकदम इफेक्ट चेस्ट पे पड़ना चाहिए। सेकेंड वाले एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम फिर 10 से 12 सेकेंड रेस्ट करके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज करते हैं, सेकेंड वाले एक्सरसाइज का सेकेंड एक्सरसाइज,
दो सेट एक्सरसाइज कंप्लीट, वन फिर 10 से 12 सेकंड रेस्ट करके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ब्रिक से चेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि ये चेस्ट पे जो लाइनिंग बनता है ये वाला एक्सरसाइज के थ्रू लाइनिंग होगा। तो पहले हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, थ्री फोर थर्ड वाला एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम थोड़ा ब्रिक को वाइड चेस्ट के लिए थोड़ा ब्रिक का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिए हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल पुशअप। ये देख रहे हो एकदम इफेक्ट एकदम चेस्ट पे पड़ रहा है। देख रहे हो ये वाले फोर्थ वाले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। अब हम एक और चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, वो हमारा हो जाएगा ये ब्रिक हो गए, ये सपोस्टेड ब्रिक हो गए। इस पे हैंड का पोस्चर ये रहेगा, चाहे ये दोनों ब्रिक को अटैच करके भी आप कर सकते हो। ये देख लो एकदम चेस्ट पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। ये देख रहे हो एकदम चेस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम फिर 10 से 12 सेकंड रेस्ट करके पांचवा एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करने वाले हैं फिफ्थ एक्सरसाइज चेस्ट के लिए, ये इनर चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए करेंगे, उसके बाद हम वाइड चेस्ट के लिए हम करेंगे। ये देख लो ये हैंड का सेट पहले ये रहेगा और चेस्ट आउटसाइड। फिफ्थ वाले सेट का पहले एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे आउटसाइड एक्सरसाइज वाइडली चेस्ट के लिए। तो 10 से 12 सेकंड रेस्ट करके हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे वाइडली चेस्ट के लिए 10 से 12 रैप्स लगाएंगे, एक ही सेट एक्सरसाइज करेंगे। इतना हैंड का पोस्चर, हो गए आज के लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये देख रहे हो ये इफेक्ट चेस्ट एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से, आप भी घर पे बिना इक्विपमेंट के एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।